हो सकता है कि हमारे किसी कॉम्पिटिटर ने इसे हमारे ऑफिस में प्लांट किया ताकि हमारी सारी प्लानिंग सुने और जाके बताए। मेरा नहीं तो कम से कम अपने भाई का ख्याल कर ले। वो बेचारे दिन रात करके इतनी मेहनत से ये सारे पैसे कमाते हैं और आप ये क्या कर रही हैं? तो उसके पैसों पर हमारा भी हक है। जब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो औरत मुझे जरा पसंद नहीं, फिर भी उसकी सालगिरह मनाने उसके घर चले गए तुम। ऑफिस में मेरे साथ काम करती है वो, सारा दिन साथ होती है। हाय मिसेस एमर, कैसी हैं आप? मैं अरिबा। आपके शौहर मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, मुझसे एक शादीशुदा औरत से। वालेकुम अस्सलाम। देखो ना रेहान, मेरा रब कितना करीम है। अभी तो नूर ने अरिबा के आने की दुआ की है और ये आ गई। क्या मुसीबत है, अच्छा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अम्मी और बेबी का भी नहीं पता कि घर कब वापस आएंगे, कोई भी मेरा फ़ोन पिक ही नहीं कर रहा है। क्या हो गया? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे प्लीज बता दे। फहद तुम तो नहीं हो? फहद, फहद हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ठीक, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आपके सरप्राइज के चक्कर में ना मेरी जान निकल गई थी। वो जो पीछे खिड़की में शैडो था, क्या वो आप थे? मुझे लगा कि पता नहीं कौन। क्या लगा तुम्हें? जब मैं इस घर में नहीं हूं तो और कौन हूं? और जब आपको पता है कि इस रूम में अकेली, तो आपने मुझे डराने की कोशिश क्यों की है? तुम अकेली थी तभी तो मुझे मौका मिला है सब सरप्राइज अरेंज करने का। अच्छा बताओ ना, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि आपको मेरे पढ़ते याद था। मतलब ये भी को बोलने वाली बात। ओ अरे, ये क्या हो रहा है? आज मारिया का बर्थडे था तो मैंने सोचा इसे सरप्राइज दें। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे मारिया बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी सालगिरह है, वरना हम बाजार से कुछ ले आते तुम्हारे लिए। अज़द मियां ने बताया ही नहीं हमें। कोई बात नहीं है, आपने कह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चले आए, केक काटते, चलो लेट्स गो। हाँ आइए।
ये तो डीएचए वाले अपार्टमेंट की फाइल है। माय बर्थडे गिफ्ट टू यू। लेकिन ये बहुत महंगा गिफ्ट है, मैं कैसे ले सकती हूँ? गिफ्ट महंगा है, सस्ता नहीं होता। देखने वाले की खुलूस और उसका प्यार देखा जाता है बस। हेलो बेटा, ये हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। चले, मैंने खाने का ऑर्डर कर दिया, जल्दी से चीजें समेटते, बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। ओके यार, आइए आ जाओ। आपको अज्जत को मना करना चाहिए था ना, है? ऐसे कैसे आपसे बगैर पूछे उसने एक प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दी? यानी इसका तो यही मतलब हुआ कि इस घर में अब आपकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब आपसे पूछना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं किया। यानी बीवी कितनी अहमियत हो गई है कि माँ की अहमियत नहीं रही। अब बात को बढ़ावा मत बेबी। वो अपार्टमेंट ना असजद ने अपने पैसे बचा बचा कर कुछ अरसे पहले लिया था, पर अगर वो अपनी बीवी को दे रहा है तो हम कौन होते हैं ऐतराज करने वाले? और वैसे भी ना हमसे छीन कर ना हमारे हक में कमी करके ऐसे तो नहीं दे रहा ना वो अपनी बीवी को। मीन बात समझ नहीं रही आप भाई? जो फ्लैट उसने तब लाखों में लिया था, उसकी कीमत करोड़ों को पहुंच गई है, तो ऐसे क्या सब कुछ अपनी बीवी के हवाले कर देगा? और मम्मी एक बात बताइए भाई, उसने ये सारे पैसे घर के लिए बचाए थे ना, तो हम सबका हक हुआ उस पर। ऐसे क्या वो एक एक करके सब कुछ अपनी बीवी के ही नाम करते जाएगा? कुछ नहीं करेगा ऐसा, कुछ भी नहीं करेगा। और बेबी बात का बतंगड़ मत बनाओ, अब ना खुद भी पुरसकून रहो, हमें भी आराम करने दो। इस बात को लेकर ना कोई बदमजगी नहीं चाहिए हमें इस घर में, समझे तुम? क्या बदतमीजी है बेबी? है तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? कोई एहसास है कि उस वक्त तुम्हारी बीवी के दिल पर क्या गुजर रही थी? बस आते ही फोन लेके बैठ गए। अरे मेरे भाई से कुछ सीख लो, कैसे अपनी बीवी के कदमों में पड़ा रहता है, सब कुछ उस पर लौटा रहा है। और एक तुम कि बीवी की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं सारा दिन का ना बड़ा थका आ रहा है, खुदा के लिए ये सब अब ना शुरू करते हैं। अरे क्या हो गया बेबी तुमको? अम्मी समझाएं आप बेबी को, हर वक्त इंकसार से ना रख। कल रात भी उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। मारिया सुनती होगी तो क्या सोचती होगी? अरे बेटा, हम तो बहुत समझाते हैं, लेकिन इस लड़के की समझ में ही कुछ नहीं आता। बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। इनको मैं इनकसार के साथ लड़ूं या झगड़ूं, ये ना मेरा पर्सनल मैटर है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये क्यों करेंगे मुझसे बात? इनके लिए तो सब कुछ इनकी बीवी है। अभी अरेंज मैरिज हुई है इनकी, तो ये हाल है। लव मैरिज हो जाती तो काम धाम छोड़ के अंबर के कदमों में बैठे रहते। पड़ा रहता उसके कदमों में मैं, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी जो तुमने होने नहीं थी मेरी। अच्छा वो अंबर के बहाने ही सही, तुम्हारा असली चेहरा तो नजर आया मुझे। अरे बहनें तो अपने आप को भाइयों पर लुटाती है, बर्बाद नहीं करती तुम्हारी तरह। असजद, असजद बेटा मां से चुप नहीं रह सकती थी।
कहाँ हो तुम? गाड़ी कहाँ पे? वर्कशॉप में। यार मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी वापस आओ। आफाद रेडी हो ना? अकमल साहब की कॉल आई है, वो पहुंचने वाले हैं। मैं भी घर से निकल आया हूँ और मैं भी पहुंच रहा हूँ। यार मैं रेडी हूँ, वो ड्राइवर गाड़ी वर्कशॉप ले गया, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर अर्जेंट है तो तुम मुझे पिक कर लो, पॉसिबल। तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहले तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, बाय। तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं। असनद मुझे तो लगा था इतने अरसे में असजद को तुमने अपना आदि बना लिया हो, लेकिन आज पता चला कि वो बेचारा तो सिर्फ ये रिश्ता निभा रहा है। क्या मतलब? ठीक ही तो कह रही, सुना नहीं क्या कहा था उसने? आज भी उसके दिल में अंबर बसती। इसे बड़ी बेवकूफ हो तुम, छोटे मोटे महंगे गिफ्ट लेकर समझती हो मोहब्बत है, खुश हो जाती। खैर तुम्हारा भी क्या ही कसूर, मर्द के दिल में उसकी जो वो पहली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसे निकालना आसान भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कहाँ गई थी? मैंने आपको बताया था ना, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, वही लेने गई थी। हाँ, ज़रूरी सामान लेने के लिए पैसे दिए थे, ये सब क्या ले आई हो? शौक से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता रेहान। पहले तो तुम्हें ये सब शौक नहीं थे, अब कहाँ से फजूल खर्ची शुरू कर दी तुमने? रेहान, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब आप मुझ पर रोक टोक नहीं करेंगे। यार रोक टोक नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। बस कर दे रेहान, मैं थक चुकी हूं। मुझे समझाने के बजाय क्या ही अच्छा होता अगर आप मुझे समझते, लेकिन नहीं, आप क्यों समझेंगे? आपसे तो मेरी खुशियां देखी भी नहीं जाती। अरीबा अरीबा, ऐसी बात बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी परेशानी किससे डिस्कस करूँ। अच्छा क्या हुआ? दिल घबरा रहा है, अजीब से वसवसे दिन में पैदा हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, और मुझे ये लगता है कि मैं अशद के दिल में वो जगह, वो मकाम नहीं बना पाई जो कि मुझे बनाना चाहिए था। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ ना, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? कोई बात हुई है? अशद भाई ने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके दिल में अभी भी अंबर बसती है और वो उसे भूल नहीं पाए हैं। शायद मुझसे इसलिए बात नहीं करते कि मैं हर्ट ना हो जाऊं।
लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं आज उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। नहीं नहीं पागल, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। अभी तो उनके दिल में है ना बात, जुबां पे आ गई तो सारी झिझक ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अर्जुन भाई ने अगर तुम्हारे सामने उसके लिए खुल के इजहार मोहब्बत करना शुरू कर दिया तो क्या करोगी तुम? बर्दाश्त कर लोगी? नहीं अरीबा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ मेरे दिल का ख्याल है और कुछ नहीं, एक वहम हो। हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी नहीं, तुम्हारी खुश फहमी हो। पता नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया कि मैं तुमसे बात करूं और तुमसे पूछूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा है। वक्त पर छोड़ दो, कुछ फैसले वक्त बेहतर करता है। अच्छा अब मुझे नूर आवाज दे रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। The most important thing to remember is that we stick to our demands. That's the only way moving forward. Okay? Main mummy ko khuda hafiz kehun phir chal. Sure. Ye lijiye aapke liye garam garam chai, maine specially aapke liye banayi hai. Assalam alaikum. Asjad kahan hai? Ye main unke liye lekar aayi thi. सलाम का जवाब भी नहीं दो। अच्छा अर्शद कितना खुश नसीब है जो उसे इतना ख्याल रखने वाली बीवी मिली। ठीक कह रहे हैं आप, शायद कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं, अपनी खुशियों का गला दबा के ऊपर से खुद ही मातम करते हैं। हाँ लेकिन शायद हर चीज में खुदा की मसलियत होती है ना। मुझे अपनी गलतियों पे पछतावा है। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे गुनाहों का कफारा भर सकता है? तो बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं जिससे मेरे गुनाहों और मेरी गलतियों का बदावा हो सके? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मारिया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम वाकई में मेरी खुशी चाहते हो ना तो किसी से शादी कर लो, इतना तो कर ही सकते होगे ना तुम मेरे लिए। नहीं हाँ कर सकता हूँ, बस तुम अपने जैसी लड़की ढूंढ दो, मैं शादी कर लूँ। जी मैम देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है, क्या हो रहा है? यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है, हम सब भी यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं। अगर आपको भी इंटरव्यू देना है तो अपनी सीवी रिसेप्शन पे जमा करवा दें। अल्लाह ना करे ऐसी कोई जरूरत पड़े है? मैं तो बस देखने आई थी, लाइन क्यों लगी है इतनी लंबी, कहीं कोई सेल वेल तो नहीं लगी, बस ये देखना। जाओ जाओ दो इंटरव्यू तो। थैंक यू। बॉडीगार्ड निकल, बाहर आएगा वाला।
तुमसे कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना, मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। मारिया मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मारिया मारिया अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। एक बार मेरी बात सुन लो मारिया, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। बाहर मैंने तुमसे कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और खबरदार आज की बात अगर तुमने मुझे कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो मारिया, सिर्फ एक बार। इस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है अरिबा, खुदा करे तुम भी उस तरह बर्बाद हो। हद करते हैं रेहान, आपको पता भी है कि मुझे कैब में धक्के खाने का कोई शौक नहीं है। मैं नहीं जानती, आप जाएं थोड़ा टाइम निकालें, जाके नूर को स्कूल से पिक करके आएं, मैं नहीं जा रही। अरिबा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं ऑफिस में, मैं नहीं निकल सकता हूँ। यकीन करो अगर मैं निकल सकता होता मैं तुम्हें कभी भी ना कहता नूर को पिक करने के लिए। और ऐसा भी क्या हो गया? तुम पहले भी तो नूर को पिक करती थी ना? नहीं पहले की बात और थी, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा रेहान। अच्छा बाबा प्लीज आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उसे पिक कर लो। अच्छा मैं देखती हूँ। थैंक यू। मैं सोच रहा था मारिया को डॉक्टर के पास ले जाऊं, आज ऑफिस में काम भी कम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे तो रेगुलर उसका चेकअप होना चाहिए, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सही है। चले हम मारिया से कह देते हैं कि कल का अपॉइंटमेंट ले लें डॉक्टर्स। मारिया चाय लेकर क्यों नहीं आई? मारिया ये ना तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाई हूँ मैं, इलायची डालकर बनाई है, मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथ की इलायची वाली चाय बहुत पसंद है ना। मुझे नहीं पीनी चाय। बस कर दो, खत्म कर दो ये नाराजगी, जैसे भी हो बहन हो तुम्हारी, कब तक नाराज रहोगे तुम मुझसे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर जो होना था हो गया ना, मेरा यकीन करो मुझे इस बात का बहुत पछतावा है अर्शद। पता नहीं कैसी गलत फहमी हो गई, मुझे सच में अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, पर मेरा यकीन करो मेरे भाई, मेरा मकसद ना कभी भी तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था मेरे भाई, मैं भला कभी जानबूझकर तुम्हें दुख दूंगी? नहीं नहीं, बीच में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो गई, मैंने उन्हें सुलझाने की कोशिश की, मगर सुलझाते सुलझाते ना मैं खुद ही उनमें उलझ गई, और बात बनने के बजाय ना बिगड़ती चली गई। अच्छा देखो अब भी अगर तुम मुझे कसूरवार समझते हो ना,
देखो, हाथ छोड़कर मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ अज्जत। अज्जत मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मेरे दुनिया में तुम्हारे अलावा और है कौन? हाँ, बेटियाँ और बहनें अपने मायके में ना अपने बाप और भाई के सहारे आगे बैठती हैं। अब्बा तो चले गए, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती हूँ। बेटा माफ कर दो ना, देखो अपना कसूर मान रही है ना। अमीर से कहे अगर नहीं करता ना मुझे माफ आज, तो आज साफ साफ मेरे मुंह पे खेल, कसम खा रही हूँ कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी फिर। लेकिन अम्मी इसकी पैरों के ना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। और अम्मी 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 कौन से भाई बहन होते जिनमें लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता? लेकिन क्या इसका ये मतलब कि वो आपस में ताल्लुक क्यों खत्म कर दे? अम्मी बताइए अम्मी। बस भी कर दो उसे मियाँ, मैं कितना रुलाओगे अपनी छोटी बहन को। अम्मी मैंने माफ कर दिया। हाँ हाँ कर, की बात मानी है मैंने। अरे अच्छा हो गया अरिमा, यही मिल गई। मैं तुम्हें बताने आ रही थी, रेहान का फोन आया, ड्राइवर नूरी को लेकर स्कूल से आ रहा होगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। पहले बताती ना, मैं रेडी भी हो गई। अच्छा चलें ठीक है। लेकिन तुम अब कहाँ जा रही हो? अब रेडी हो ही गई हूँ तो कहीं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर, घर पे बैठ के क्या करूंगी? लेकिन बेटा नूरी रास्ते में ही होगी, बस स्कूल से आती होगी। खाला मी प्लीज, अब रोकना टोकना मत शुरू कर दीजिएगा। नूरी के लिए आप है ना, वैसे भी वो आके लंच करके सो जाती है। प्लीज आप मुझे पीछे से टोका मत करें। और अगर आप चाहती हैं ना कि इस घर में सुकून बना रहे, तो वो हरकतें मत दोहराएं जो आप माजी में करती रही। यही कैबिन। हेलो, हाँ वो गाड़ी में चली गई, गाड़ी में लेके निकल गई। ठीक है, ओके राम। बॉडीगार्ड निकल, बार उतरो गाड़ी से, उतरो जल्दी, बैठो गाड़ी में। बहुत अच्छा किया बेबी जो तुमने अपने भाई से माफ़ी मांग ली। जिस तरह से ना असद मियाँ के दिल में तुम्हारे लिए जगह पैदा हो, कितने अच्छे दिल का है हमारा बेटा, जो खुले दिल से माफ़ी कर दिया तुमने। वैसे बेटी भी आपके पूरे दिल की नहीं, मैंने आज तक जो भी किया है ना इस घर की भलाई के लिए किया है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो। क्या है बड़ा भाई है, मांग ली मांग। ये क्या, जब आना तुम रोकी थी कि चाय के कप ही लेके आती हो, कभी ये नहीं हुआ साथ में कोई समोसे कोई बिस्किट को पैटी ले आओ। नहीं, वो से मेहमानों के सामने ही लगते हैं, हालांकि पड़ा होता है सब किचन में, लेकिन खुद खाते हैं ये लोग। चल जाओ तुम, जाकर रात के खाने की तैयारी करो। बेबी हम तो कहते हैं रात का खाना ना तुम ही बना लो, तुम बिरयानी अच्छी बनाती हो ना, असजद मियाँ को तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। इस तरह से ना असजद खुश हो जाएगा। मांग तो ली माफ, अब खिदमतें भी कराएंगी क्या?
मुझसे नहीं होते किचन विचन के काम, आपको पता है मुझे पसंद नहीं, और इतनी गर्मी में बिरयानी तो नहीं बना रही। अमर रही है तुम्हारी, हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे थे। वह हमने सोचा कि इस तरह से मारिया और अर्जद मियाँ खुश हो जाएंगे। तो ये कहिए ना, मारिया की खुशी के लिए करवा रही हैं? देख रही हूँ आजकल बहू की बड़ी फिक्र होने लगी। आप क्या जादू चलाया है उसने? पहले तो सिर्फ अर्जद गुनगाते थे और अब आप भी शुरू। बस 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 कर दो, मत बनाओ तुम बिरयानी, तुम बातें बनाओ, जो तुम्हारा काम है वही बनाओ। चाय भी नहीं पीने का दिल कर रहा आप तो, मेरा सारा खराब कर दिया। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी खराब हो गई। इसको भी अभी खराब होना था, जल्दी ठीक करो, सीधा गाड़ी का। अगर जरा सी भी होशियारी की ना, भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, समझी? जल्दी ठीक कर यार गाड़ी को। बैठे रहो, इधर हिलना नहीं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, हिलना नहीं, बैठे रहो। हेलो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो फाद, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ? फाद, वो गुंडे मुझे कहीं किडनैप करके लेके जा रहे थे। फाद, मुझे बचा लो। कौन लोग? वो गुंडे। ओ हीरो, कौन हो तुम लोग? सामने सेट भाई, तो क्या कर लेगा हा? लड़की को हमारे हवाले कर। अरीबा तुम गाड़ी में बैठो। ओ हीरो, अरे नूर बेटा, आप इतना खाना गिराती हो, आपको पता है रिस्क जाया करना बहुत बुरी बात है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बेटा, चल अब खा। अरीबा कहाँ है? बेटा वो तो अभी नहीं आई। बेटा क्यों आई? उसने तो कहा था कि वो दो घंटे में आ जाएगी। मैं ऑफिस से आ गया हूँ और वो अभी तक नहीं आई। अब तुम गुस्सा मत करो बेटा, देर सवेर हो ही जाती है, और वैसे भी जब लड़कियां बातें करने बैठती हैं ना, तो उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, खाना बना कर गई थी? रेहान, मैंने उसे कहा ही नहीं, मुझे लगा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैंने दाल चावल बनाए हैं। ठीक बात है, अगर पूरे दिन के लिए उसने जाना था, कम से कम खाना तो बना कर जाती। उसे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रेहान, मैं नहीं चाहती कि रीबा दोबारा नाराज होकर घर से चली जाए, इसलिए बेटा जैसा घर चल रहा है वैसे ही चलने दो, और जितनी मेरे में हिम्मत है ना मैं काम कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और मेरी बात सुनो, अब रीबा आएगी तो उसे ये खाने वाली बात मत करना, नहीं तो तुम दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, भूख लगी अम्मी, फिर आप ही खाना दे दे मुझे। हाँ, मैं खाना लेकर आती हूँ, आपको कुछ चाहिए? ना। ठीक है।
मैं जो कह रही थी ना, प्यार से कर लिया करे वहां। मैं बस फ्रेश होके आता हूँ, फिर आपके साथ खाना खाऊंगा। पापा मम्मा कब आएगी? आप प्लीज उनको बोलना ना कि मेरे बगैर नहीं जाया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उदास नहीं हो बेटा, मम्मा आती होंगी। मैं बस आता, इन पाइट मेरे से भी ले लो। फिनिश करना है आपने, मैं बस अभी आया। वाकई यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ बस मजा आ गया, पता है इतने दिनों बाद गप लगी है। अच्छा किया तुमने फोन किया यार, करती रहा करो, बड़े दिन हो गए थे, मजा आ गया सच्ची में। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करते हैं शाज़िया, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ तुम्हारा इतना आज? ऑफिस में काम ज्यादा था क्या? ये भी ऑफिस में काम ही होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस में क्या करता हूँ? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। अरे सारा दिन काम करता हूँ ऑफिस में, थक जाता हूँ, इंसान हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऑफिस के काम की वजह से नहीं बल्कि घर आके मेरी शक्ल देख के तुम्हारा मुंह बन जाता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे देख के तुम खुश हो, फ्रेश हो के तुमने बोला हो कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, खाना खिला दूँ, डिनर करा दूँ। नहीं अच्छा छोड़ो ना, अब क्या इन सारी बहसों में पड़ गए हैं, एक अब चाय बना के पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुलाजमत तो चली गई है, मैं मारिया से कह दे। अरे क्या हो गया बीवी तुमको? तुम जाके मारिया से कहोगे मेरे लिए चाय बनाने के लिए? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें बनानी चाहिए। भाई तुम्हारा लड़ने का मूड है ना तो बता दो मुझे, समझ में आई? मैं भी ना सारा दिन कोई फ्री नहीं बैठी रहती हूँ, दो दो बच्चे हैं तुम्हारे जो इतना तंग करते हैं, सारा दिन मौनी में लगी रहती हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है बीवी। तो मत क्या करो ना बात, आते क्यों मेरे पास? डॉक्टर फहद कैसे हैं? वो ठीक हैं? हम जी, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोली सिर्फ छू कर गुजरी थी, उसके जिस्म में सिर्फ मामूली सा जख्म आया। मैं मिल सकती हूँ? कुछ ही देर में हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर।